दोस्त आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं उषा आयरन बॉक्स की। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले जो फ्लिपकार्ट से बॉक्स आई है उसको हम ओपन करेंगे, उसके बाद उसके अंदर से हम उषा का जो आयरन वाला बॉक्स है उसको निकालेंगे, फिर देखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगे और क्या क्या हमें बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए फटाफट से इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही बॉक्स के अंदर हमें उषा का जो बॉक्स है आयरन का वो बॉक्स हमें मिल गया। आयरन यानी कि प्रेस, और हम आमतौर पर आम जुबान में इस्त्री भी बोल जाते हैं उसको। तो सो इस बॉक्स को पहले ऊपर उठाते हैं और बॉक्स के ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये आयरन है उषा का और इसका मॉडल है EI1602। इसका मॉडल है, इसका अगर हम वाट की बात करें तो ये 1000 वाट पर चलता है, 240 वोल्ट पर ये चलेंगे, एसी बोर्ड पर, डीसी नहीं है, एसी बोर्ड पर चलता है। उसके बाद आपको ये 0.8 kg पर वेट है इसका, ठीक है, 2 साल का वारंटी है। और यहाँ पर जो प्लेट लगाई है वो एक काफ़ी मजबूत प्लेट है, ठीक है, एग्जैक्टली ठीक ठाक है प्लेट। और यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बटन लगाई गई है जिसके मदद से आप टेम्परेचर जब ही ज़्यादा हो जाएंगे सेट करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली बंद होगा फिर चालू हो जाएंगे, तो एक तरफ से ये ठीक ठाक है। तो चलिए फटाफट से हम उषा का जो बॉक्स है ये बॉक्स हम ओपन करते हैं, उसके अंदर से हमारा जो आयरन है उसको निकालते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आयरन हमारा निकल चुके हैं। आयरन का कुछ डिज़ाइन इस टाइप का है, अब देख सकते डिज़ाइन काफ़ी वाइट कलर का है और एग्जैक्टली ठीक ठाक लग रहा है मुझे, सब कुछ ठीक है, ओके है। लेकिन इसका जो फील है, हैंड फील मतलब पकड़ने में जो फील आता है वो मुझे ठीक ठाक नहीं लगा, तो एग्जैक्टली ठीक है अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो यूज़ करते वक्त मतलब काम हमारा चल जाएंगे। तो अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये 549 रुपीज़ हमें पड़ा है फ्लिपकार्ट से, हम प्रोसेस किए। तो अगर आप किसी सेल के दौरान करेंगे तो इसका प्राइस अप डाउन होते रहता है, तो कुछ डिस्काउंट हो सकता है, बट अगर मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि अगर आपके पास इससे बजट कम है तो 250-300 रुपये में अच्छे खास आपको प्रेस मिल जाती है, आयरन मिल जाती है, उसको प्रोसेस कर लीजिए। खामखा आप इस 500 वाला में मत जाइए, अगर आपको लेना है तो इससे ज़ायद वाला लीजिए। तो प्रेस में ज़्यादातर बजाज कंपनी की काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। चलिए फिर हम आपको इसको यूज़ करके आपको दिखाते हैं। चलिए हम इसको फटाफट लगाते हैं, जो हमारा प्लाक है उसको में लगाते हैं, उसको हीट करते हैं, फिर कपड़ा को प्रेस करके देखते हैं कि ये रियली में काम करता है, सही है कंडीशन या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर उनको जो प्लाक में लगाया है और ये उनका जो LED लाइट है वो ओपन हो चुका है और ये हीट होना स्टार्ट हो चुका है, टेम्परेस देना स्टार्ट कर दिया। अब चलिए हम कपड़ा भिजाते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं। कपड़ा भिजाने के बाद फिर इसको प्रेस किया तो आप देख सकते हैं प्रेस लिए एकदम स्मूथ हो रहे हैं, मतलब अच्छी है, एग्जैक्टली इसको ख़राब नहीं कह सकते, ठीक ठाक है। तो अगर आपको लेना है, उषा कंपनी अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, तो उषा कंपनी का ये आयरन मुझे अच्छा लगा है, बट प्राइस इसका काफ़ी हाई हुआ है, तो थोड़ा इसकी कम से कम 450 के बीच में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 550 के करीब पहुँच चुका है, 600 के बीच में। तो सो 250-300 में आपको अच्छे खासे आयरन मिल जाते हैं, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आपको इसी को लेना है तो इसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाके डायरेक्टली इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो पर इतना ही है, अगर आपको वीडियो के देख कर आपको कुछ जानकारी अच्छी लगी और आयरन आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहना।